एक बाई त्याचा कॅरेक्टर बरोबर नाही ती येऊन सांगते की या माणसाने माझा बलात्कार केला. पोलिसांची एवढी फास्ट स्पीड, 2 घंट्यात गुन्हा दाखल. आता मला हे समजत नाव, बलात्कार 3 वर्षात 2 वर्षापूर्वी झालेला आहे, त्या बाईला आज सूट आली की माझ्यावर रेप केस झालेला आहे. हमारे भाई को जेल नहीं रख रहे, हमको टॉर्चर कर रहे हैं, हम खुद कुछ कुछ करेंगे तो उसके जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होगी. महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स. भी मंडी में MIM के कार्यकर्ताओं ने MIM के जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू की रिहाई के लिए DCP ऑफिस पहुंचकर घेराव किया. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भिमंडी शहर की है, जहां MIM के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. दरअसल आपको पूरा मामला बता दें, इस बार जो गिरफ्तारी हुई है वो कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन ने रेप का मामला, यानी कि 376, 342, 354, 354, 509 और 67 के तहत मामला दर्ज कर MIM के खालिद गुड्डू को गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी आज सुबह के वक्त हुई है और इस गिरफ्तारी से नाराज MIM के कार्यकर्ताओं ने DCP ऑफिस पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया. इनकी मांग है कि खालिद गुड्डू को रिहा किया जाए. इसमें महिला और पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद. आपको बता दें कि सितंबर 2020 में खालिद गुड्डू पर 8 FIR दर्ज किए गए थे. तभी से खालिद गुड्डू पुलिस और कोर्ट के कस्टडी में थे, मगर पिछले दिनों 40 दिन की पैरोल पर खालिद गुड्डू बाहर आए थे और आज पुलिस ने रेप के मामले में खालिद गुड्डू को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है. जिसके बाद नाराज MIM के कार्यकर्ताओं ने DCP ऑफिस पहुंचकर घेराव किया और खालिद गुड्डू की रिहाई की मांग करते रहे. इस दौरान हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस ने मोर्चा संभाला और सभी को वहां से बाहर निकाला. देखिए किस तरह का माहौल रहा और क्या कहा है कार्यकर्ताओं ने. देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है लाठीचार्ज की स्थिति बन गई है और मामला गर्म होते नजर आ रहा है. DCP साहब के साथ में यहाँ पे चर्चाई हो रही है और जो है किसी भी हाल में हमारा भाई तो उस दिन बंगले में 4 बजे हमारे साथ था और खोटा खोटा गेट डाल दे रहे, खुद भी केस ले रहे हैं.
नहीं, लेकिन खोटा खोटा केस अभी आज कोर्ट में पेशी हुई तो क्या हुआ, क्या बात हुई? वो पीसी दे दी, जो दो दिन की पीसी दे दी है, अभी कल एमसीआर होगा, जेल भेज देंगे। हाँ, अरे मेरा जो है ना, एक बोलना पुलिस वालों को कि भाई कानून उनके लिए भी हमारे लिए भी है। हाँ, मैं बोलता हूँ जिसका बलात्कार हुआ औरत से पूछा जाए, उसकी जो है रिपोर्ट जो है कैसे क्या है देखा जाए, उसका डॉक्टरी किया जाए, कुछ भी, बस उसको मेरे भाई को जेल में ही रख रहे, हमारे भाई को जेल में ही रख रहे, हमको टॉर्चर कर रहे हैं, हम खुदकुशी कुछ करेंगे तो उसके जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होगी, हम कुछ भी करेंगे कम ज्यादा, हमारा परिवार अभी अभी यहाँ पे जो आप इतने सब परिवार वाले आए, सब लोग आए, एमआईएम के कार्यकर्ता है, तो यहाँ पे डीसीपी साहब ने बोला आप लोग से बात करने के लिए? आपसे मुलाकात नहीं हुई, उनको मीटिंग ला है, त्यांना बोलवलं आहे, अजून डीसीपी साहेब आले नाही, आम्ही त्यांच्याशी भेटल्याशिवाय इथून जाणार नाही, जाणार नाही, आज यावा का उद्या यावा, आम्ही इथं थांबणार, या पावसाळ्यामध्ये भिजणार आम्ही।